हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर फैकल्टी एट अभिमन्यू आई एस ए वेरी वोम वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन और स्टूडेंट आज यहाँ पे हम पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए हमारा पी वाई क्यू सेशन करेंगे कंटिन्यू राइट right? तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 46 46 आई थिंक सो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था ठीक है हाँ जी तो इकनॉमिक्स के ये क्वेश्चन हैं स्टूडेंट तो इकनॉमिक्स के क्वेश्चन को हम यहाँ पर यू नो डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट एंड लेवल काफ़ी ज़्यादा अप है का ठीक है तो इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छी खासी पूछी गई है स्टूडेंट इसके आगे वाले क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक्स से ही हैं हमारे तो उनको भी हम यहाँ पे देखते हैं ठीक है ओके तो बहुत सारे स्टूडेंट इवन क्वेश्चंस भी कर रहे थे कि मैम जो इकोनॉमिक्स है वो किस तरीके से करनी चाहिए तो सी हीर स्टूडेंट सबसे पहले तो आप इसके लिए क्लासेज ज़रूर लीजिए बिकॉज विदाउट क्लासेज जो हैं वो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है स्टूडेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे क्लासेस आप ले लोगे तो मच बेटर है अगर आपके पास पहले से ही अगर आप यू नो ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है लाइक like आपने आर्ट्स की हुई है या आप कॉमर्स uh, में या आपने इकोनॉमिक्स में कुछ भी किया हुआ है ग्रेजुएशन वगैरह देन ओके है ठीक है आप बेसिक टर्म्स से ही आप यू uh, नो you know, आप फेमिलियर होंगे बट हाँ इकोनॉमिक्स के अंदर जो एक uh, इनकी इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं लाइक जीडीपी क्या चीज़ है आपका ठीक है ओके फिस्कल डेफिशिएंट क्या चीज़ है फिस्कल पॉलिसीज़ क्या है मॉनिटर पॉलिसी क्या है हमारा बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से काम करता है बैंकिंग सेक्टर में भी आगे फर्दर कितनी ब्रांचेस हैं किस तरीके की उनमें काम होता है किस तरीके से होता है ये सब चीज़ें आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए ठीक है इकनॉमिक्स ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को ही वो कवर करता है स्टूडेंट नहीं ऐसा नहीं है इकोनॉमिक्स भी आगे फर्दर बहुत सा उसमें डिवाइड है स्टूडेंट जैसे कि हमारा बैंकिंग हमारा यू uh, नो you know, हमारा जो बेसिक इकोनॉमिक्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स है हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है ठीक है तो इन सब को हम यहाँ पे यू नो इकोनॉमिक्स की अलग अलग ब्रांचेस के अंदर हम इसको कवर करते हैं ठीक है जी ओके ओके तो क्वर्टी सिक्स क्वेश्चन हमारा पहले ही हो चुका है जो हमने शेयर्ड पे एटीएम रन बाय नेशनल पेमेंट सिस्टम इस पर हमने क्वेश्चन किया था ऑलरेडी डन है तो आगे मूव करते हैं स्टूडेंट हम हाँ जी तो 47 सेवन नंबर क्वेश्चन बच्चे पढ़िए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पे है स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन है क्योंकि ये रिपीट भी हो सकता है स्टूडेंट सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज़ कहता क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं हमारी उनको कौन रेगुलेट करता है ठीक है रेगुलेशन के बारे में बात की गई है कहता मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस अफेयर थर्ड वन इज़ अवर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड फोर्थ वन इज अवर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो प्लीज़ रिमेंबर दिस इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज़ रेगुलेट आवर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है स्टूडेंट उनको रेगुलेट करता है हमारा सेबी स्टूडेंट स्टॉक एक्सचेंज वाला इवन हमारी जो स्टॉक मार्केट है दैट इज़ ऑल्सो यू नो रेगुलेट बाई आवर सेबी ठीक है जी ओके okay. आर नहीं करता स्टूडेंट आर हमारी मॉनिटरी पॉलिसीज और हमारे बैंक्स को रेगुलेट करता है ओके okay? ओके okay. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट हमारे ओके okay. हाँ जी तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट आपकी स्क्रीन पे है बच्चे फोर्टी एट क्वेश्चन नंबर पढ़िए हाँ जी तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट इनकरेक्ट पूछा इसने इनकरेक्ट पूछा है विद रिस्पेक्ट टू टी आर ई डी एस ट्रेड्स के ऊपर यहाँ पे इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है जब भी इनकरेक्ट ऐसा कुछ आता है उसको पहले आप करो सर्कल अब देखो कहता है इट स्टैंड फॉर द ट्रेड रिलेटेड डिस्काउंटिंग सिस्टम दूसरा कहता है इट इज इनिशिएटिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है इसको शुरू किया था हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इट एम्स टू हेल्प कैश स्टार्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एम एम एस एम ई एम प्रमोटली एनकेश एनकेश एन कैश रिसिवेबल्स फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो कहता है कहता है इट इज़ द ऑनलाइन बिल डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म दैट एनेबल्स डिस्काउंटिंग ऑफ इन वॉइसिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एम एस एम ई सेलर्स अगेंस्ट द लार्ज कारपोरेट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पी एस यू एंड थ्रू एन ऑक्शन मैकेजम एट द कॉम्पिटिटिव मार्केट रेट्स ये बात बोलता है किसके अंदर आर ई डी से रिलेटेड हमें ये वो स्टेटमेंट उसने दी है काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन तो खैर आसान नहीं है बिल्कुल भी नहीं मैं बोलूंगी क्वेश्चन आसान है ठीक है ओके तो हाँ जी तो क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद इसको आप answer आंसर कीजिए हाँ जी आंसर कीजिए बच्चे आंसर कीजिए हाँ जी तो क्वेश्चन है हमारा टी आर ईडी पे एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए और इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज अवर फर्स्ट क्योंकि इट स्टैंड्स फॉर द ट्रेड रिलेटेड डिस्काउंटिंग सिस्टम नहीं स्टूडेंट इट स्टैंड फॉर फॉर द ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म ये है स्टूडेंट ना कि ये वाली ठीक है तो पहली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट हो ही जाती है क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज दैट इज ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम स्टूडेंट इसको जो इसका मेन पर्पज़ है ना स्टूडेंट ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको सेट किया गया था टू फैसिलिटेट एम जो हमारे एम ई सी एम सेक्टर है जो हमारा एम सी एम 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 एस एम ही सेक्टर जो है हमारा टू अनलॉक वर्क कैपिटल बाई कन्वर्टिंग देयर रिसीवेबल इन टू कैश क्योंकि उनके पास कैश की यू you नो know, कमी होती है उसको यहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए हमने यहाँ पे टी आर ए डी एस सिस्टम को हम लेकर आए थे ट्रेड रिसिवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम ठीक है क्योंकि जो टी आर ई डी एस है गिव्स कैपिटल एक्सेस टू द क्रेडिट स्टार्ड स्मॉल बिजनेस इन द इंडिया ठीक है इसका यही पर्पज था टू फैसिलिटेट फाइनेंसिंग ऑफ इन वॉइस बिल्स ऑफ एमएसएमई ड्रॉन ऑन कॉरपोरेट और अदर बायर्स ठीक है बहुत ही बाय द वे ऑफ डिस्काउंटिंग बाई फाइनेंसर्स ठीक है ओके, इट इज इनिशिएटिव बाय आरबीआई बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये हमारी सेकंड है इट एम्स टू हेल्प द कैश स्टार्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्रोमोटली एन कैश एंड कैश रिसीवेबल्स ठीक है ये हमारा मेन पर्पस ही था और ये ऑनलाइन बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम था स्टूडेंट ठीक है प्लेटफॉर्म दैट एनेबल्स डिस्काउंटिंग ऑफ इन्वॉइसिस और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एमएसएमई सेलर्स अगेंस्ट द लार्ज कॉर्पोरेट्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पी एस सी थ्रू एन ऑक्शन मैकेनिज्म एट द कॉम्पिटेटिव मार्केट रेट्स मेन पर्पज था टू सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टूडेंट हमारा जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है एमएसएमई है ठीक है इसका मेन पर्पज यही था ओके ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन की स्टूडेंट फोर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए कहता है स्टार्टअप रजिस्टर्ड विद द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन स्टार्टअप रजिस्टर्ड विद द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ऑफ़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एंजल टैक्स ये एंजल टैक्स उस टाइम पे बहुत न्यूज़ में था बच्चे 2019 थाउजेंड के 2020 में एंजल टैक्स जो था वो काफ़ी न्यूज़ में था वहीं से एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पुट किया उस टाइम का टैक्स करंट uh, अफेयर की ये न्यूज थी इसलिए यहां पे गवर्नमेंट ने यहां से जो एग्जामिनर है उसने हमसे क्वेश्चन पुट किया ठीक है ओके okay. कहता है विद कंडीशन दिस टैक्स इज रेफर टू वट एंजल टैक्स के बारे में इसने डायरेक्टली पूछा कि भाई एंजल टैक्स हो होता क्या है ये बता दो मेरे को आप ठीक है तो पहली स्टेटमेंट पढ़ती है कहता, पहला कहता है कहता टैक्स पेएबल ऑन कैपिटल रेज्ड बाय द न्यू लिस्टेड startup companies via issuance of ऑफ of shares where the share price is seen in excess of fair market value of share sold पहले तो ये बात इसमें बोलता है कहता कि ऐसी कंपनीज जो लिस्टेड हैं अभी अभी न्यू लिस्टेड कंपनीज हैं ठीक है न्यू लिस्टेड हमारे जो स्टार्टअप हैं जब वो शेयर्स यहाँ पे रिलीज करते हैं तो उसके ऊपर जो वो टैक्स पे करते हैं ठीक है जो वो शेयर्स के ऊपर जो भी उनको प्रॉफिट मिलता है वहाँ पे ठीक है उस पर जो शेयर यू नो जो अपना प्रॉफिट टैक्स पे करते हैं उसकी यहाँ पर यह बात कर रहे हैं दूसरी स्टेटमेंट में कहता है कदा द टैक्स दैट स्टार्टअप वर सपोज तो टू पे इफ दे रिसीव लोन एट ए डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ हाइयर सक्सेस रेशो तो फिर थर्ड स्टेटमेंट में कहता है कदा द टैक्स पेबल ऑन कैपिटल रेज्ड बाय अनलिस्टेड कंपनीज वाया इंश्यूस ऑफ इंश ऑफ शेयर्स वेयर द शेयर प्राइज इज सीन इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्किट वैल्यू ऑफ़ shares bear, the share fair market, uh, share sold. फिर डी कहता है कि तो है द टैक्स दैट स्टार्टअप वर सपोज टू पे व्हेन देयर एनुअल इनकम वुड क्रॉस द स्पेसिफाइड थ्रेश होल्ड एज पर देयर फेयर मार्केट वैल्यूएशन ठीक है स्टेटमेंट आई नो की आपको समझ में शायद ही आई होंगी ठीक है क्योंकि आपने देख ही लिया हुआ कि ये पता नहीं अब क्या पूछ लिया है और मैम भी यहाँ पर लगे हुए हैं ठीक है तो समझ में तो आ नहीं रहा है तो समझते हैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सी है स्टूडेंट सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कोई भी स्टार्टअप कंपनी है मान लो आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया स्टार्टअप मतलब कि आपने कोई एक न्यू कंपनी शुरू की है ना तो आपका जो स्टार्टअप है ठीक है आप आपको स्टार्टअप चलाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं आपके पास दो तरीके हैं उस स्टार्टअप को चलाने के पहले या तो आप बैंक से लोन लूँ या फिर आप क्या करो इन्वेस्टर्स को बुलाओ कि जो आपकी कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड हो मतलब कि वो आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करे और आप क्या करते हो उसके बदले में आप उनको एज ए पार्टनर बना लेते हो उस कंपनी का जैसे मान लो आपको चाहिए फॉर एग्जांपल आपको मान लेते हैं आपको हंड्रेड लाख रुपीज मतलब आपको वन करोड़ रुपीज़ चाहिए अपनी स्टार्टअप खोलने के लिए ठीक है और आपने क्या किया मार्केट के अंदर हंड्रेड शेयर्स निकाले ठीक है तो हर शेयर की आप वैल्यू लगा लीजिए ठीक है तो आपने हंड्रेड शेयर मार्केट के अंदर निकाले कि हाँ जी मैं ये शेयर्स जो हैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ आप उनको क्या कर लो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो मेरे शेयर्स यहाँ परचेज़ कर सकते हैं जैसे आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में या जो लोग ऐसे शेयर्स वगैरह परचेज़ करते हैं तो वो आई वगैरह निकलते रहते तो उनको वो परचेज़ करते हैं है ना तो वही चीज़ है यहाँ पर स्टूडेंट तो वो क्या करते हैं उन शेयर्स को परचेज करते हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपके सारे शेयर्स बिक गए ठीक है और मार्केट के अंदर उनको लेने अच्छा आपने निकाले सौ शेयर उसको लेने वाले हैं अभी टू हंड्रेड पीपल ठीक है ऐसा मान लेते हैं कि मान लो एक शेयर एक पर्सन के पास लेने के लेने वाले बंदे ज्यादा हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट ज्यादा है तो उसका मतलब क्या हो गया आपके शेयर की जो वैल्यू है वो बढ़ गई वो बढ़ गई मतलब मान लो अगर एक बंदे ने एक शेयर आपका वन लाख का परचेज किया टेन लाख का परचेज किया तो आगे और ज्यादा प्रॉफिटेबल में बिकेगा तो वो जो प्रॉफिट जनरेट होगा ना स्टूडेंट उस पर वो जो है वो क्या करेगा टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को जो वहाँ से वो एक्सेस आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ है ना ठीक है उस पर आप क्या करोगे टैक्स पे करोगे बट आपकी कंपनी क्या आप एक स्टार्टअप हो तो ठीक है आपकी कंपनी क्या होगी अनलिस्टेड ही होगी आपने लिस्टेड तो करवा आप करवा नहीं सकते तो अनलिस्टेड की बात की है सो दैट्स वाई यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट दैट इज़ अवर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है तो so क्या कहता है टैक्स पेएबल ऑन कैपिटल रेज्ड बाय अनलिस्टेड कंपनी ठीक है बाय इश्यूज ऑफ शेयर उन्होंने शेयर को क्या किया इशू किए मार्केट के अंदर वेयर द शेयर प्राइस इज सीन इन एक्सेस ठीक है शेयर मार्केट के अंदर जितना उसका एक फेयर वैल्यू थी ठीक है जैसे आपने 100 शेयर निकाले और हर एक शेयर की जो वैल्यू है वो 1 लाख है सपोज दैट बट उससे ज्यादा आपको अगर उसका एक्सेस मिल रहा है मतलब कि आपको उससे ज्यादा अगर प्रॉफिट मिल रहा है आपको तो उस पे आप क्या करते हो जब आप उसको आगे जब आपका शेयर दोबारा बिकेगा ठीक है तब उस पर जो एक्सेस आपका जो यू you नो know, आपको प्रॉफिट मिलेगा उस पर आप क्या करोगे टैक्स पे करोगे उस पर आप क्या करोगे स्टूडेंट टैक्स पे करो थोड़ा सा आई थिंक सो कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वट इज एंजल टैक्स ठीक है टैक्स पे किया है आपने उस किस किस चीज पे टैक्स पे किया है जो आपने कैपिटल रेज की ठीक है एक अनलिस्टेड कंपनी है जिसने कैपिटल रेज की है अपनी कंपनी के लिए ठीक है तो फेयर मार्केट के वैल्यू के अंदर जो उसकी शेयर जो वो बिके उस कंपनी के वो ज्यादा उसमें बिके ज़्यादा प्रॉफिट में मिले बिके तो उसी पे जो आप टैक्स पे करते हो उसी को हम कहाँ क्या कहते हैं यहां पे एंजल टैक्स कहते हैं इसलिए स्टूडेंट हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा यहां पे ठीक है जी फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसने यहां पर बोल दिया कि आपकी जो है वो लिस्टेड कंपनी है नहीं स्टूडेंट स्टार्टअप कंपनी लिस्टेड कैसी हो सकती है ठीक है तो लिस्टेड तो बिल्कुल नहीं है इसलिए ए ऑप्शन तो हमारा पहले ही चला जाता है दूसरे में ये बोल देता है कि इफ़ इफ़ दे रिसीव ए लोन एट ए डिस्काउंट रेट रेट ठीक है तो यहाँ पे तो कोई सेंस ही नहीं बनती सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है ठीक है और डी जो है वो तो हमारा यहाँ पे स्टार्टअप स्टार्टअपर सपोज टू पे वैन देयर एनुअल इनकम नहीं यहाँ पे एनुअल इनकम की बात नहीं है ठीक है ओके तो आगे बढ़ते हैं फिफ्टी नंबर क्वेश्चन पे हाँ जी तो फिफ्टी नंबर क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे आप पढ़िए जी फिफ्टी नंबर क्वेश्चन पढ़ो बच्चे पढ़ो क्या था यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस और यूजुअल सब्सिडरी स्टेटस एंड यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस अप्रोचेज आर यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ व्हाट तो आपको पता होना चाहिए यूजुअल हमारा प्रिंसिपल स्टेटस जो है ठीक है दैट इज़ यूज फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे यूज करती है स्टूडेंट ये बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है आपकी इकोनॉमिक्स की तो इसमें कुछ कोई ज़्यादा कोई खास बताने वाला नहीं है जब आप इकोनॉमिक्स का आप इम्प्लॉयमेंट uh, वाला जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर आप इन सब चीज़ों को समझोगे यूजअल uh, uh, आपका अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैसे होता है प्रिंसिपल स्टेटस क्या होता है करंट वीकली बेसिस पे क्या होता है ठीक है मंथली बेसिस पे कैसे होता है किस तरीके से कैलकुलेट करता है कैसे सेवन uh, डेज़ में अगर आपको एक घंटा काम मिला है तो आप इम्प्लॉय आपको एज ए एम्प्लॉय माना जाएगा मतलब कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट है ठीक है तो इस तरीके के कुछ हैं थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा चैप्टर है जब आप वो पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो इसमें कोई बड़ बहुत बड़ी यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ वो नहीं है ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए अच्छा तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन की दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था पढ़ते हैं स्टूडेंट इसको हम हाँ जी क्वेश्चन पढ़िए बच्चे कहता इंडिया हैज़ बिन कॉन्स्टेंटली नेगोशिएटिंग फॉर एक्सपेंशन इन द ट्रेड इन सर्विसेज वाया मोड फोर मोड फोर किसने इसने बात की है एज डिफाइंड अंडर द जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज गेट्स पे यहाँ पे बात करता है उसके अंदर जो मोड फोर जो हमारा सर्विसेज है उस पर यहाँ पे बात की है कंसिडर द फॉलोविंग पेयर्स रिगार्डिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ सर्विस अंडर गेट्स ऑफ द डब्ल्यू दिस इज ऑल्सो वेरी यू नो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पर लेवल भी बहुत डिफिकल्ट है लेवल भी काफ़ी हाई है क्वेश्चन का ठीक है तो मोड की बात की है इसको हम समझते हैं सी हेर स्टूडेंट जो हमारा गेट है जो हमारा गेट्स है स्टूडेंट उसने जो सर्विसेज है उनके कई यहाँ पर मोड सेट किए हुए हैं कि वो कौन से मोड में वो सर्विस जो है वो लाई करेगी तो एक एक करके मोड यहां पे हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट समझिए है। एक एक मोड की हम बात करते हैं पहला देखिए पहला कहता है मोड वन के अंदर क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विसेज़ इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर एग्जांपल आपको भी पता है कि जैसे बहुत बार क्या होता है फॉरेन के स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन जो हैं वो क्या करते हैं स्टडी करते हैं इंडियन टीचर से वो पढ़ते हैं तो इंडियन टीचर उनको क्या करते हैं अपनी नोट्स सेंड कर देते हैं ऑनलाइन पीडीएफ डी एफ़ नो या आप इंडिया में रह कर आप क्या करते हो यूरोपियन की कोई लैंग्वेज सीख रहे हो वहाँ की आप पढ़ाई कर रहे हो स्टडी कर रहे हो ठीक है या यहाँ का बैठा डॉक्टर है वो बाहर के बैठे पेशेंट्स को ठीक कर रहा है उनको मेडिसिन रेकमेंड कर रहा है तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं वाया इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू आप इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हो है ना फिज़िकल तो आप कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर रहे हो ना आप खुद उठ के जा रहे हो ऐसा तो नहीं है ना कि आप लेक्चर लेने के लिए आप जो है वो शिकागो जा रहे हो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सो दिस टाइप दिस मोड ऑफ सर्विसेज आर लाई इन द मोड वन दिस टाइप ऑफ सर्विसेज लाई इन द मोड वन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ऑनलाइन टीचिंग क्लियर है आपको ये बात क्लियर है आपको यस और नो ठीक है जी ये हमारा मोड वन का एग्जाम्पल हो गया सेकेंड देखिए सेकेंड है कहता है टेम्परेरी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ ए नेचुरल पर्सन टू कंज्यूम सर्विसेज एब्रॉड जैसे आपने देखा होगा आपने बहुत बार सुना भी होगा कि कुछ लोग हेयर कट लेने के लिए फ़ौरन जाते हैं सिर्फ हेयर कट लेने के लिए उनके पास इतना पैसा है ठीक है अच्छा इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दूं बच्चे मैं अगर आपको दैट इज अवर टूरिज्म टूरिज्म में क्या होता है टूरिज्म में कोई पर्सन जो है वो हमारे मान लो अच्छा एक यूपीएससी का क्वेश्चन भी है यूपीएससी ने क्वेश्चन पुट किया था बहुत ही इंटरेस्टिंग उसने क्वेश्चन ये पुट किया कि हाँ जी अगर कोई पर्सन अगर कोई पर्सन इंडिया के अंदर घूमने आ रहा है एक फ्रेंच पर्सन इंडिया में घूमने आया पुडुचेरी के अंदर तो वो किस में काउंट किया जाएगा ठीक है वो इम्पोर्ट में काउंट किया जाएगा वो एक्सपोर्ट में काउंट किया जाएगा वो एज ए कंज्यूमर माना जाएगा या वो एज ए प्रोड्यूसर माना जाएगा तो चार ऑप्शंस थे ठीक है तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट दैट इज़ अवर एक्सपोर्ट क्यों क्योंकि वो बाहर की करेंसी को यूज़ करके हमारे इंडिया में कुछ ख़रीद रहा है बच्चे वो फॉरेन करेंसी को यूज़ करके हमारे इंडिया में क्या कर रहा है कुछ ना कुछ वो यहाँ परचेज़ कर रहा है कुछ ना कुछ वो ख़रीद रहा है खा पी रहा है रह रहा है होटल्स यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जब भी फॉरेन करेंसी अगर हमारे इंडिया में आएगी ठीक है जैसे फॉरेन करेंसी कब आती है जब आप कोई चीज़ बेचते हो बाहर सेल करते हो उसी को हम एक्सपोर्ट में कंसीडर करते हैं ना दैट्स वाई यहाँ पे इसको कंसीडर किया गया एज एक्सपोर्ट सर्विस ठीक है तो सेम चीज़ जो हमारा टूरिज्म है उसके अंदर क्या होता है टेम्परेरी कोई बंदा जो है वो क्रॉस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं वाया शिप रेलवे और एयरपोर्ट कुछ टाइम के लिए वो जाता है और वहाँ पर वो अपनी सर्विस कंज्यूम करता है कहाँ पर अब्रॉड के अंदर जैसे आप दुबई घूमने गए है ना दो चार दिन रहे तो आपने वहाँ पे खाया पिया भी होटल में भी रहे आप है ना तो वो सब क्या है स्टूडेंट आपका एक टेम्परेरी मोड है ठीक है तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा टूरिज्म सेक्टर जिसको हम मोड टू में क्या करेंगे कंसिडर करेंगे इज दैट क्लियर यस और नो क्लियर है बच्चे आपको ये बात ठीक है जी तो मोड थ्री पे आते हैं क्या था क्रॉस बॉर्डर प्रोविजंस ऑफ सर्विस वाया द कमर्शियल प्रेजेंस ऑफ ए कंपनी इन अनदर कंपनी जैसे इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको बोइंग का बोइंग क्या है स्टूडेंट बोइंग एक यू you नो know, आपको भी पता है ये क्या करती है इनकी कंपनी है स्टूडेंट आई थिंक वो कंपनी है हमारी सिंगापुर uh, के अंदर जो क्या करती है मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉर द एयरक्राफ्ट अभी जो जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट हैं जैसे अगर उनको रिपेयर करवाना है तो बोइंग जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो दैट इज़ कंसीडर्ड इन योर मोड थ्री जैसे कि मैं इसका एक और एग्जांपल देती हूँ आपको जैसे कि कोई डॉक्टर है ठीक है यहां पे कोई डॉक्टर है उसको मलेशिया में इनवाइट किया गया कि हाँ जी आप यहां पे आइए और यहां पे आप आके पेशेंट्स को ट्रीट कीजिए ठीक है ठीक है तो वो क्या है स्टूडेंट वो एक तरीके का क्रॉस बॉर्डर प्रोविजन है सर्विसेज का वाया द कमर्शियल प्रेजेंस ऑफ ए कंपनी इन अनदर कंट्री इसका मैं आपको और एक एग्जाम्पल दू देट इज अवर दैट इज अवर फॉर एग्जाम्पल बैंक ठीक है मान लीजिए लंडन बैंक है लंडन में बैंक है एक वो लंडन का ही बैंक है उसकी एक ब्रांच इंडिया में बेंगलोर के अंदर ओपन हो जाती है सो so, दिस ये क्या है हमारा दिस इज द क्रॉस बॉर्डर प्रोविजन ऑफ सर्विस कमर्शियल प्रेजेंस ऑफ ए कंपनी इन द अनदर कंट्री क्लियर आपको हाँ जी ये बात क्लियर है आपको ठीक है वो जो डॉक्टर वाली बात है ना वो डॉक्टर वाला एग्जाम्पल यहाँ नहीं आएगा वो डॉक्टर वाला यहाँ पे आएगा मोड फोर के अंदर सॉरी डॉक्टर वाला जो एग्जाम्पल है ना वो मोड फोर में कंसिडर किया जाएगा अच्छा अच्छा यहाँ पर बात हुई कंपनी की अच्छा अब आगे बात करते हैं कहता टेम्परेरी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि मैंने डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए इंडियन डॉक्टर जो है वो फिलीपीन के अंदर जाके अपना जो है वो क्या करता है वहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ट्रीट करता है पेशेंट को देन दिस इज़ कंसीडर्ड एज़ मोड फॉर या मैं इसका एग्जांपल दूँ जैसे कि जैसे कि अगर आप एशिया के अंदर देखो तो इंग्लिश टीचर जो हैं वो सबसे अच्छे जो टीचर्स हैं क्योंकि तो इंडियंस की इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है तो जो इंग्लिश के टीचर्स हैं स्टूडेंट उनकी डिमांड बहुत रहती है बाहर ठीक है तो टेम्प्रेरी बेस पे जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में और अपनी सर्विसेज वहाँ पे देते हैं अच्छा यहाँ पे एक बात आप याद रखिए स्टूडेंट कई बार ऐसे क्वेश्चन सेट हो जाते हैं कि किसी पर्सन ने वहाँ पे जाके उनका वहाँ का रेजिडेंस वो बन गया परमानेंट वहाँ की उसने सिटीजनशिप ले ली वहाँ पे उसने परमानेंट रहना शुरू कर दिया देन दैट सर्विस वी नॉट कंसिडर्ड एज़ मोड फोर प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग अगर आप परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हो ना बच्चे तब आप उसको मोड फोर में आप कंसीडर नहीं कर सकते सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे जैसे मान लो कोई इंडियन सिटीजनशिप है और वो फॉरेन में जाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है देन वी कॉल्ड इट एज द मोड फोर सर्विसेज ठीक है ओके ये बात क्लियर हुई आपको यस और नो तो मोड वन मैंने बेस्ट एग्जाम्पल दिया ऑनलाइन टीचिंग का मोड टू का जैसे कि हमारा टूरिज्म सेक्टर ठीक है मोड थ्री जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया किसका कोई कमर्शियल बैंक है जैसे मान लो कोई लंडन बैंक है और वो ओपन हो गया कहाँ पे हमारे इंडिया में उसकी बेंगलोर में एक ब्रांच खुल गई है देन वी एग्जाम कंसीडर इन मोड थ्री अकॉर्डिंग टू गेट्स एंड मोड फोर जैसे कोई कोई डॉक्टर है वो अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए कहीं पे टेम्प्रेरी बेसिस पे वहाँ पे वो शिफ्ट हो गया है ठीक है बट उसने वहाँ पे सिटीजन वगैरह या रेजिडेंशियल उसने ऐसा कुछ uh, वो नहीं लिया एक्वायर नहीं किया है देन वी कॉल्ड इट एज अ मोड फोर सर्विस इसमें से इसने करेक्टली पेयर चूज करने के लिए पूछा है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन ये था बच्चे कहता है इंडिया हैज बिन कॉन्स्टेंटली नेगोशिएटिंग एन एक्सपेंशन इन द ट्रेड इन सर्विसेज बाय अ मोड फोर मोड फोर में क्या था हमारा टेम्परेरी वो शिफ्ट हो जाते हैं एज डिफाइंड अंडर द जर्नल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज गेट्स तो इस पर आप जो है उसने आंसर पूछा है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट दैट इज अवर डी सारे ही यहां पे जो ऑप्शन है हमारे वो क्या है हमारे करेक्ट है क्लियर हुए बच्चे यस और नो क्लियर हुए आपको यस और नो ठीक है जी ओके okay, ओके okay. हाँ जी तो ठीक है 52 नंबर क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं फिफ्टी टू नंबर क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं ठीक है जी कहता है विच अमंग द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ड फॉर द यूनियन गवर्नमेंट दो तरीके की मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई है पहले मैंने आपको पढ़ाई थी टैक्स रिवेन्यू टैक्स रिवेन्यू के बारे में तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा है ना गवर्नमेंट किस तरीके से टैक्स नॉन टैक्स रिवेन्यू की यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट नॉन टैक्स रिवेन्यू की इसका मतलब क्या है कि अच्छा टैक्स जो होता है ना स्टूडेंट वो तो सभी पे करते अगर मैं टैक्स पे कर रही तो आप भी कर रहे हो है ना मैंने अगर को एक कुरकरे के पैकेट पे अगर टैक्स दिए तो आप भी दोगे बिस्किट पे मैंने टैक्स दिए तो आप भी दोगे यस yes और नो no? दोगे ना टैक्स सभी देते बट जो नॉन टैक्स रिवेन्यू होता है ना स्टूडेंट दैट इज स्पेसिफिक इसको पहले आप समझिए बच्चे ऑप्शंस पे हम तो बाद में जाएंगे पहले क्वेश्चन ही समझ लो कि क्वेश्चन क्या चीज़ है तो स्पेसिफिक टैक्स की यहाँ पे बात की तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक टैक्स तो फिर ऐसा है कि स्पेसिफिक ही देंगे जैसे कि जैसे मान लो आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हो डेथ सर्टिफिकेट बनाते हो आप कहीं पे एडमिशन लेते हो कुछ भी करते हो तो आप गवर्नमेंट को जैसे मान लो आप जुडिशियल सर्विसेज होती है ना आप जब केस लड़ते हो तो उनकी आप फीस पे करते हो होते हैं ना वो हंड्रेड रुपये की स्लिप कटवाइए ठीक है, है यहाँ पर ये वाली स्लिप लगाइए आप तो वो जो पेमेंट आप पे कर रहे हो वो ऐसा नहीं है कि सब कर रहे हैं बच्चे ठीक है कुछ स्पेसिफिक कैंडिडेट्स ही उसको पे कर रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट हर किसी को तो चाहिए नहीं है ना जिसको चाहिए वही बना रहे उसी के लिए वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पेमेंट जो है वो पे कर रहा है गवर्नमेंट को देन वी कंसिडर्ड इट एज द नॉन टैक्स रिवेन्यू देन वी कंसिडर एज द नॉन टैक्स रिसिप्ट फॉर रिसीट्स फॉर द यूनियन गवर्नमेंट ठीक है जी इसमें क्या क्या चीजें आती हैं ये उसने पूछा है बच्चे तो इनको हम एक एक करके देखते हैं ये चीज समझ में आई जैसे मैं इसकी एग्जाम्पल दूँ फीस एग्जाम्पल पढ़ते जैसे कि हमारा फीस ग्रांट्स ठीक है ग्रांट्स जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है कोई प्रॉपर्टी है बच्चे जिसका आगे कोई लीगल हायर नहीं है कोई पर्सन है ठीक है कोई लावारिस है मतलब मान लीजिए कि कोई पर्सन की डेथ हो गई ठीक है अभी उसके पास प्रॉपर्टी है बट उसके ऊपर कोई भी क्लेम करने वाला नहीं है लीगल क्लेम करने वाला कोई भी नहीं है क्योंकि नाम ना तो उस पर्सन का कोई यू नो आगे स्पाउस है ना ही उसके कोई चिल्ड्रन हैं ठीक है और उसने किसी को लीगल हायर बनाया भी नहीं है ठीक है तो वो जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके पास चली जाती है गवर्नमेंट के पास चली जाती है ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट की हो जाती है और गवर्नमेंट क्या करती है उसको नीलाम करके उसको सेल करके क्या करती है वहाँ से फीस चार्ज कर लेती है मतलब कि वो पैसा ले लेती है ठीक है तो उसको भी हम किस में कंसिडर करते हैं स्टूडेंट नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट में हम उसको रिसिप्ट में हम उसको काउंट करते हैं ठीक है अच्छा और मैं अगर एग्जाम्पल दूँ जैसे कि हमारी इंडियन रेलवे इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चे इंडियन रेलवे तो इंडियन रेलवे आप टिकट लेते हो ना इंडियन रेलवे को जो प्रॉफिट जनरेट होता है इंडियन रेलवे जैसे उसको कोई प्रॉफिट जनरेट हो रहा है बच्चे उसको भी हम कंसीडर करेंगे एज ए नॉन टैक्स रिवेन्यू में ये बात क्लियर हुई आपको यस और नो यस और नो क्लियर हुई बात या नहीं हुई तो मैंने क्या क्या बोला जैसे कि हमारा फीस कोई डोनेशन दे रहा है जैसे कोविड नाइन्टीन के टाइम पे गवर्नमेंट को बहुत सारी डोनेशंस मिली ठीक है कोई ग्रांट है ग्रांटी नेड है और क्या हो सकती है जैसे कोई आ, जैसे गवर्नमेंट जो है वो स्पेक्ट्रम निकालती है लाइसेंस देती है ना गवर्नमेंट तो उस पर जो हम फी पे करते हैं जैसे 2G 5G 4G के अभी अभी लाइसेंस गवर्नमेंट ने इशू की है ना चलो 2G तो खैर बहुत पुराना हो गया ठीक है तो अभी तो हम 5G 5G की बात करेंगे ठीक है तो उस पर जो गवर्नमेंट टैक्स देती है ठीक है सॉरी गवर्नमेंट फीस चार्ज करती है जैसे आपने कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया डेथ सर्टिफिकेट बनवाया यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ बताई ठीक है फिर पी के अंदर जो हमारे डिविडेंट्स होते हैं ठीक है जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वहाँ से उसकी बात की फिर मैंने जैसे यहाँ पे पी में जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया इंडियन रेलवे सिस्टम का ठीक है अभी मुझे और कोई एग्जाम्पल याद आ नहीं रहा है बट दिस इज़ बेटर एग्ज़ाम्पल ठीक है तो इन सबको हम कंसीडर करते हैं किसमें हमारी नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट में अच्छा तो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं पहला कहता है डिसइनवेस्टमेंट रिसीट रिसीट्स दूसरा कहता है स्पेक्ट्रम फीस जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया लाइसेंस इशू करती है गवर्नमेंट टू जी थ्री जी फोर जी फाइव जी तो इसका बारे में तो हमने अभी पढ़ा तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो ही गया है ना फिर दूसरा कहता है डिविडेंड्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बिल्कुल सही ऑप्शन है है ना अभी मैंने एग्जांपल दिया फोर्थ है जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट लोन देती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो वो भी आएगा कंसीडर करेंगे क्योंकि सबको तो गवर्नमेंट लोन नहीं दे रही है ना सबको तो गवर्नमेंट लोन नहीं दे रही है बच्चे ठीक है तो बचा ऑप्शन क्या हमारे पास डिस इन्वेस्टमेंट नहीं ये नहीं हम कंसिडर करेंगे डिस इन्वेस्टमेंट नहीं ठीक है डिसन्वेस्टमेंट पर हम बात नहीं कर सकते ठीक है ओके तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट वो कौन सा बनेगा हमारे पास कौन सा बनेगा बताओ अब तो बता ही दोगे यार तो ऑप्शन बनेगा हमारे पास सी टू थ्री एंड फोर क्लियर हुआ ये बात आपको येस और नो क्लियर हुई तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना काफ़ी इंटरेस्टिंग था है ना ठीक है बच्चे ठीक है जी ठीक तो बाकी जो क्वेश्चन है हमारे वो करेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर ठीक है जी इसी के साथ स्टूडेंट हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है जी और कोई भी स्टूडेंट अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से यू you नो know, आप नीचे एक सपोर्ट नंबर दिया हुआ उस पर कॉल करके इवन आप किसी भी फैकल्टी के साथ बात कर सकते हैं ठीक है जी ओके ओके स्टूडेंट ठीक है तो मैं सेशन यहाँ पे ओवर कर रही हूँ थैंक यू हैव अ नाइस डे